अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग विधानसभा से विधायक कुलदीप सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। भाजपा पर पलटवार करते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा का जहाज बढ़ते बोझ से डूब जाएगा, बाहर से आने वाले लोग इस जहाज का बोझ बढ़ा देंगे। वहीं राठौर ने एक बार फिर सेब के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के बागवानों से चुनाव में वादे किए, लेकिन इससे उलट भाजपा के शासन में प्रदेश की सेब आर्थिकी पर संकट पैदा हो गया है। पिछली विधानसभा में मैंने एक मुद्दा उठाया था कि अफगानिस्तान के रास्ते जो ईरान का सेब आ रहा है, उससे हमारी आर्थिकी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारा समझौता है। ये क्षेत्र साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत आता है। ईरान से जो सेब आ रहा है उस पे आयात शुल्क नहीं लग रहा है, इस कारण वो सेब मार्केट में सस्ता है। और अभी जो कोल्ड स्टोर में बागवानों ने सेब रखा था, क्योंकि ऑफ सीजन में इस सेब को मार्केट में बेचा जाता है इस उम्मीद के साथ कि अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन इस बार क्योंकि इतना सेब 30 देशों से सेब यहाँ आ रहा है, जो दाम है वो 800 से 1200 रुपए मिल रहे हैं, जबकि पिछली बार यही दाम लगभग 2000 से ज्यादा थे और लागत कोल्ड स्टोर में रखने की लगभग 400 रुपए पर पेटी आती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है बागवानों को हो रहा है। और देश की एकता और अखंडता पे अगर खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है इनकी वजह से खतरा है, क्योंकि आज देश को बांटने की कोशिश हो रही है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।